हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है कीर्ति जास किचन। और मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और सभी लोग अपने अपने घरों में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस है, जिसका नाम है भाजी कबाब एंड पैटीज। भाजी कबाब बड़ों के लिए और पैटीज बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। थैंक यू। जैसा कि आज की रेसिपी का नाम है भाजी कबाब, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी भाजी लगेगी। ठीक है, तो ये आलू है, ये बथुआ है। घर में आपके जो भी साग है, बथुआ, मेथी, पालक, विंटर स्पेशल है तो अवेलेबल होता है सबके घर में। धनिया पत्ता, ये मैंने 4 गोभी के फूल लिए हैं, उसको मैंने घिस लिया है। ये देखिए, ये है पत्ता गोभी, छोटा सा टुकड़ा, इसको मैंने घिस लिया है। इसमें मटर और ये आधी शिमला मिर्च जाएगी जो कि चॉप होगा। ये बीन्स, गाजर, ये मैंने 2 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सगा प्याज है, ये जो हरा हरा देख रहे हैं ये सगा प्याज है। ये अदरक और हरी मिर्च का कूटा हुआ है, ये रिफाइंड है। ये ब्रेड क्रम्स हैं, सॉल्ट, ये है चाट मसाला, ये है कॉर्नफ्लोर, और ये है ब्लैक पेपर, और ये है चीज। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भाजी है। 9 तरीके के हमारे पास भाजी है, भाजी में तरकारी जो कि विंटर स्पेशल में अवेलेबल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस आलू को कद्दूकस से घिस लेंगे, और गाजर, फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च और मटर, इन सबको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। ठीक है, ये आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, और इसमें मैंने चॉपर में, देखिए दिख रहा होगा आपको, दानेदार शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, मटर और फ्रेंच बीन सबको मैंने चॉप कर लिया। अब सभी को हम इसमें डाल देंगे। ये रेसिपी मेरी फिर से उन मम्मियों को बहुत हेल्प करेगी जिनके बच्चे ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते, पता ही नहीं चलेगा उन लोगों को। और इस रेसिपी में मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए ट्विस्ट है, बच्चों के लिए जो बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको पता चलेगा क्या है ट्विस्ट। अब ये है बथुआ, धनिया पत्ता, देखिए कितना ग्रीन है, फिर से मेरा फेवरेट कलर, विंटर स्पेशल कबाब, भाजी कबाब। ये है प्याज, ये है अदरक और हरा मिर्च कूटा हुआ, ये है, मैं भूल गई आपको बताना, गरम मसाला। मेरे पास होममेड अभी खत्म हो गया है, बाजार का है ये। बच्चे खाएंगे इसको तो थोड़ा सा हम इसका कम ही रखेंगे। ये है ब्लैक पेपर, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये देखिए मेरा चम्मच नहीं जा रहा, मैं जबरदस्ती इसको इसमें डाल रही हूँ। देखिए ब्लैक पेपर, ये काढ़ा में बहुत काम आता है। ये है चाट मसाला, नमक हम लास्ट में डालेंगे। चाट मसाला 1 चम्मच, थोड़ा सा और अगर चटपटा खाना चाहते हैं, मात्रा आप बढ़ा सकते।
After that, ये ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर, चम्मच अगर बड़ी है तो दो दीजिए। पहले हम कम ही डाल के देखेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो आप फिर से डाल देंगे। ये दो चम्मच, लेकिन मेरे मात्रा ज्यादा है, बाइंडिंग के लिए ज्यादा लगेगा। मैंने लगभग 4 चम्मच डाले हैं। अब हम पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि हमको नीड है कि नहीं। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, तो इस सबको हम मिला लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, अंदाजे से, ज्यादा ना हो। इसको हम मिलाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको और कॉर्नफ्लोर की जरूरत है कि नहीं। बाइंड अच्छे से हो जाना चाहिए। अच्छे से इसको हाथ से ही मैश करिएगा। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, बॉल बन रही है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा हमको और कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा। देखिए, 2 चम्मच लगभग। अब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगा। देखिए, अब ये कबाब और पैटीज बनाने के लिए रेडी है। तो चलिए, अब हम कबाब और पैटीज बनाते हैं। देखिए, मैंने ऑनस्टिक तवा चढ़ा दिया है। अब हम इसमें हल्का सा रिफाइन पूरा अच्छे से फैला देंगे। अब हम जब तक ये गर्म होता है तब तक हम ये कबाब बना लेते हैं। देखिए, ये देखिए ऐसे। ये देखिए, भाजी कबाब रॉ तैयार है। अब हम इसको हम फ्राई भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा हेल्दी वर्जन भी होना चाहिए, इसीलिए इसको अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तीन चार मिनट हो गए हैं, हम देख लें हमारे भाजी कबाब का क्या हाल है। ये देखिए, लाल हो गया है, क्रिस्पी हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए क्या कलर आ रहा है हमारे जवाब का। इसको भी हम 1 बूंद तेल और देंगे और इसको हम ढक देंगे क्रिस्प होने के लिए। चलिए, फिर मिलते हैं 3-4 मिनट बाद। देख लेते हैं हमारे कबाब
ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। देखिए बहुत ही केयरफुली आराम से, थोड़े नाजुक हैं ये मेरे भाजी कबाब, ये देखिए। तो कबाब बड़ों के लिए, तो हम इसको निकाल देते हैं बड़ों के लिए, और इसको मैं सर्व करूंगी धनिया पत्ता की चटनी के साथ। अब देखिए मेरा मैजिक बच्चों के लिए, ये देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे, हल्का हल्का प्रेस करेंगे, इसकी हम पैटी बनाएंगे। ये बहुत ही यूजफुल है पैटीज, मम्मी जो है बच्चों की ये सैंडविच में भी बना के दे सकती हैं। देखिए बर्गर भी बन सकता है इसका। हम थोड़ा हल्के हल्के हाथों से इसको दबाएंगे, बच्चे हैं उनको क्या पसंद आता है। ये देखिए छोटे छोटे ये मेरे पास चीज क्यूब्स हैं, इस पे हम लिटिल बिट थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा हम ओरिगैनो डाल देंगे। थोड़ा सा और इसको हम ढक देंगे जब तक कि हमारा चीज मेल्ट नहीं हो जाता। कुछ ही देर बाद चीजी भाजी पैटीज बच्चों के लिए रेडी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारे बच्चों के लिए पैटीज रेडी हुए कि नहीं। ये देखिए हमारा चीज मेल्ट हो गया है, ये देखिए। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हूँ। तो हम सबसे पहले गैस को ऑफ कर देंगे। ये है बच्चों के लिए भाजी पैटीज और ये है बड़ों के लिए भाजी कबाब। तो इसको आप जरूर से ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बात और जो आप लोग शायद भूल जाते हैं बार बार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।